है ना। पिछले वीडियो में हम तितली रानी पढ़े थे। आपको क्या करना है बच्चों, इस अपनी टेक्स्ट बुक में बटरफ्लाई का पिक्चर बना के आपको इसका नाम लिखना है और यहाँ पर सूचित पट्टी दिया गया है, उस सूचित पट्टी को आपको क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। जो जो कोयल का, मोर का, कबूतर मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, आप बना चुके हैं, है ना। तो आज हम क्या सीखेंगे, संयुक्त अक्षरों का परिचय। क्या सीखेंगे हम, संयुक्त अक्षरों का परिचय। क्या है ये संयुक्त अक्षर, तो हम पहले आधा पढ़ चुके थे, आज हम आगे का भाग पढ़ेंगे। संयुक्त अक्षर र का उच्चारण पहले स्थान पर होता है तो पहले अक्षर को पूरा लिखकर उसके ऊपर चिन्ह लगाना है, इस चिन्ह को रेप कहते हैं। क्या कहते हैं, रेप। जो अपनी टेक्स्ट बुक में दिया गया है पेज नंबर 80, अपने अपनी टेक्स्ट बुक निकालो बच्चों, पेज नंबर 80। तो यहाँ पर र का उच्चारण कैसे किया जाता है, संयुक्त अक्षर पढ़ेंगे आगे का, जो है र प्लस कुर्सी। र प्लस हम किया तो स्र होता है, जैसे कि सूर्य, कुर्सी। एक उदाहरण शब्द यहां पर दिया गया है कुर्सी, एक उदाहरण शब्द दिया गया है कुर्सी। नेक्स्ट र प्लस भ, घर ब। क्या हुआ, घ प्लस ब, र प्लस ब, भ, घर ब। ऐसे हम उच्चारण करते हैं बच्चों। आपको क्या करना है, ऐसे पांच पांच शब्द आपको बनाने हैं। र प्लस स्र यानी सूर्य, ऐसे र प्लस ब भ घर ब। और एक नाम बताओ बच्चों आप ही। आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक को निकाल कर ऐसे ऐसे शब्द कहां पर दिया गया है आपको लिखना है बच्चों। र प्लस ज ज्र, र प्लस ज र ज्र कर्ज। नेक्स्ट र प्लस त त्र, र प्लस त त्र बर्तन। क्या हुआ, बर्तन। नेक्स्ट र प्लस क क्र, मरकट। मरकट प्रकट, ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट संयुक्त अक्षरों में र का उच्चारण दूसरे स्थान पर होता है तो पहले अक्षर के नीचे ऐसा स्थान, यहाँ पर तो ऐसा कौन सा अक्षर देते हैं, ऊपर की मात्रा, यहाँ पर दिए ना हम ऐसे ऐसे चिन्ह र के पदेन देते हैं, इसको पदेन रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेप। क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे दिए तो इसको हम रेप यानी उसका चिन्ह, इसका चिन्ह हम क्या बोलते हैं, रेप। रेप मात्रा, रेप संयुक्ताक्षर, ऐसे। नेक्स्ट संयुक्त अक्षरों में र का उच्चारण दूसरे स्थान पर भी होता है, ये तो ऐसा एक बार होता है, फिर दूसरे स्थान पर कहाँ होता है देखो बच्चों।
स्थान पर, यानी उसके अक्षर के नीचे, ये अक्षर होता है तो इसके नीचे ऐसा भी हम र का मात्रा लिखते हैं, ऐसे ऊपर भी देते हैं या अक्षर के सहित नीचे भी हम र का मात्रा लिखते हैं। तो चलो बच्चों, इसका हम क्या बोलते हैं, पदेन, इसको क्या बोलते हैं, पदेन, यानी ऐसा ऐसा होता है, ऐसा देते हैं, क्रॉस शब्द में देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पदेन। तो चलो बच्चों, इसके अक्षर को हम लिख सके, क प्लस र क्र, क प्लस र क्र, क प्लस र ग्र, ग प्लस र ग्र, क्रम ग्रह, ज प्लस र ज्र। व्यंजन हम कैसे लिखते हैं ना, इसके नीचे हम ऐसे लाइन सीखे हैं, हम कन्नड़ में कैसे व्यंजन लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना, वैसे हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, ज प्लस र ज्र, ज प्लस र ज्र। नेक्स्ट, ज्र का शब्द बोलो, ज्र वज्र, वज्र, ज से वज्र, ज से वज्र, त प्लस र त्र, त प्लस र त्र, त्रिशूल, त प्लस र त्र, त्रिशूल, द प्लस र द द्र, द प्लस र द्र, द्र यानी द्रव, द्र प्लस व द्रव, प प्लस र प्र, प प्लस र प्र, यानी प्रणव लिख सकते हो, है ना बच्चों। नेक्स्ट, प्रतिमा लिख सकते हो, ऐसे अपने टेक्स्ट बुक में दिया है। तो ये है संयुक्ताक्षर के शब्द जो हम पदेन रूप में भी लिख सकते हैं, ये है पदेन। क्या है, पदेन अक्षर। आपको क्या लिखना है, ऐसे पदेन शब्द का, रेप शब्द का अक्षरों शब्द ढूंढ ढूंढ कर पांच शब्द लिखना है बच्चों। नेक्स्ट, न को छोड़कर ट वर्ग के संयुक्ताक्षरों में र का उच्चारण दूसरे स्थान पर होता है, तो पहले अक्षर के नीचे ऐसे उच्चारण में चिन्ह लगाना चाहिए, जिसे चिन्ह का नाम कोण होता है, हमें क्या बोलते हैं इसको, कोण, कोण बोलते हैं। सो र प्लस ट प्लस र ट्र, ऐसे बीच में ट प्लस र ट्र, तो इसका शब्द कैसा होता है, राष्ट्र। क्या होता है बच्चों, राष्ट्र। ठीक है ना, कन्नड़ क प्लस र बर क्र कहते, अदरिंद क्रम, हागे ट प्लस र राष्ट्र, राष्ट्र ಹೆಂಗ ಬರೀತೀವಿ, ಎರಡು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೀತೀವಿ, ಶ ಬರ್ದ ಟ ಬರ್ದ ರ, ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರ ರ ಒತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗ ಕೋನ ರೂಪದೊಳಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ, ಕೋನ್। ಈಗ ನಾವು ಒಂದೇ ದಿನ ಕಲ್ತ್ವಿ, ರೇ
ಪಟೇಲ್ ಕೋರ್ ಮೂರು ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ಸೊ ಡ ಪ್ಲಸ್ ರ ಡ್ರ ಡ್ರ ಸೆ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಸೆ ಶಬ್ದ ಹೋತೆ ಬಚ್ಚೋ ड प्लस ड्र ड्र ड्राइवर ड्राइवर नेक्स्ट ड व्यंजन र ड्र ड्रम अथवा ड्रामा ड प्लस र ड्र ड्रामा नेक्स्ट अलग अलग अक्षरों से बने शब्द लिखो और उच्चारण करो तो आपको करना है इस शब्द को क प्लस त त तक्त वक्त ऐसे आपको लिखना है वक्त पहला शब्द क्या है वक्त दूसरा ग प्लस व ग्व ग्वाला क्या हुआ ग्वाला नेक्स्ट ट प्लस य ट्य ट्य से यस आप ही को बनाना है बाकी के तीन शब्द को मैं इतने सारे शब्द बोली हूं आपको क्या करना है आपको बनाना है नेक्स्ट स प्लस त स्त क्या है यस रास्ता मस्त ऐसे आपको शब्द बनाना है म प्लस य म्य 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 क्या म्य से कौन से शब्द आते हैं स्त्रत से कौन से शब्द आते हैं रास्ता ज्ञान ऐसे शब्द आपको बनाना अच्छा बच्चों यस सो आज क्या क्या सीखे हम संयुक्त अक्षर के शब्द को लिखे नेक्स्ट पेज नंबर 85 निकाल क्या पेज नंबर 85 क्या लिखना है पेज नंबर 85 गिनती का गीत आप तो पहले ही गिनती सीखे हैं क्या सीखे हैं गिनती तो चलो बच्चों अपने अपने टेक्स्ट बुक निकालो क्या है गिनती का सीख एक दो तीन दोस्त अरुण आजम दो तीन चार सबसे करो प्यार तीन चार पांच सांझ को नहीं आंच चार पांच छः काम करो अच्छे पांच छः सात चोरी बुरी बात छः सात आठ एकता के ठाट सात आठ नौ मार पिटाई क्यों आठ नौ दस कुट्टी कुट्टी बस ये है कविता मैं फिर से बोलती हूँ आप ही को मेरे साथ ही बोलना है गिनती का गीत गिनती का गीत तो मेरे साथ चलो बच्चों के ना पढ़ना चाहिए ना यस ओपन योर बुक पेज नंबर 85 यस एक दो तीन दोस्त अरुण आजम दो तीन चार सबसे करो प्यार तीन चार पांच सांझ को नहीं आंच चार पांच छः काम करो अच्छे पांच छः सात चोरी बुरी बात छ सात आठ एकता के ठाट सात आठ मार पिटाई क्यों आठ नौ दस कुट्टी कुट्टी बस यस इट इज अ राइम क्या है एक राइम का पोयम है तुकान शब्द का पोयम यहाँ पर क्या है एक दो तीन दोस्त अरुण अजम तो
एक दो तीन, ऐसे आपको एक पद्य बोला गया है। यस, तो आपको क्या करना है, एक दो तीन लिखना है, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस, यह गिनती। आपको क्या करना है, इसके अक्षरों में, यानी एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस, ऐसे आपको अक्षरों में भी और नंबरों में भी लिखना है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आपको काउंट करके, गिनती करके भी यहाँ पर लिख सकते हो। फिर से यहाँ पर क्या करना है आपको, यही यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, मेल करो, यानी मैच द फॉलोइंग। पहले टेक्स्ट बुक में पेंसिल से आपको मार्क करना है। तीन, तीन कहाँ पर है, यहाँ पर है पेंसिल, एक दो तीन आपको यहाँ पर मार्क करना है। ये क्या है, देखो बच्चों यहाँ पर दिया गया है, तो ये कौन से अक्षर है, ये है आठ। तो आठ कहाँ पर दिया गया है, वन टू एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो यहाँ पर आठ दिया गया है, तो यहाँ पर मैच करना है। नेक्स्ट चार, एक दो तीन चार, तो चार में एक दो तीन चार, तो चार यहाँ पर दिया गया नंबर, तो आपको यहाँ पर मैच करना है। नेक्स्ट ये क्या है, देखो नौ क्या है, नौ, तो पर नौ कहाँ दिया गया है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, यहाँ पर नौ, यहाँ पर पाँच, तो ये बचा। इस चित्र को भी आपको मैच करना है, पेंसिल से पहले मार्क करो, बाद में फेसबुक में लिखो। छूटे हुए अंकों को लिखो, यहाँ पर कौन कौन से, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, एक नहीं है तो एक लिखना है, दो तीन है, चार नहीं, पाँच छ सात आठ नौ दस, तो यहाँ पर इस पार्ट खत्म होता है, तो इस पार्ट खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट सहित हम बढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे, थैंक यू।